अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह जी, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। हुन बॉक्सेस लगा देने चाहिए ने, जड़े कहते हैं कि जी अक्टूबर के एंड से या नवंबर के बीच लगाएंगे, उन्होंने भी अपना तजर्बा होएगा, लेकिन साडा भी तजर्बा है। तो अलहमदुल्ला मौसम हो गया है, बॉक्सेस लगा देने चाहिए ने, बाकी अल्लाह ताला के सपोर्ट की चीज़ा छड़ देनिया चाहिए ने। अज का जी मौजू है कि जो न्यू फैंसियर आ रहे हैं इस होबी के, जो नए लोग शामिल हो रहे हैं लव बर्ड फैमिली के, वो सोच रहे हैं कि जी असी किहड़े बर्ड के उत्ते पैसे लाने ने। सब तो पहले तो यह चीज़ समझ लेनी चाहिए है कि लव बर्ड एक शौक हैगा, इनू शौक की हद तक रखो, फिर भावें ग्रे विंग लगाओ, फिर भावें पैलेट लगाओ, फिर भावें तुसी सफायर लगाओ, डिल्यूट लगाओ, अपलायंस लगाओ, ऐ शौक। तो अगर तुम गल करो कि असी तो पैसा भी कमाना है, तो जनाब पैसा एकदम नहीं जी आता, तुहानू कम अज़ कम 3 साल लाने पैंदे ने चीज़ नू समझण वास्ते, सीखण वास्ते। 3 साल बाद तुहानू अल्लाह ताला दी मेहरबानी होए, अल्लाह दी मदद होए, तो तुहानू पैसे आन लग जांदे ने। अच्छा, इस वक्त पोजिशन जो वेखने पे हो की वेखने पे कि अलबाइनो, तो उहदे बाद जी क्रीमिनो, पेल फैलो, तो डन फैलो भी। इस तो अलावा मार्केट च किसे बर्ड की डिमांड नज़र ही नहीं आ रही। एदा मतलब ए नहीं गा, हर की ज़्यादा मतलब ए नहीं गा कि यह बर्ड नहीं विकता पिया, यकीनन विकता होएगा, लेकिन जो असी समझने कि इस वक्त अगर कोई बर्ड मार्केट नज़र आ रहा है तो अलबाइनो ते क्रीमिनो, इस तो अलावा किसे बर्ड का नाम भी नहीं लिता जा रहा। मिसाल के तौर पर सफायर कितने गया जी, पैलेट कितने गया, ग्रेविंग किथे गया, तो ओपलाइंस की तो तबीयत काफ़ी ज़्यादा बहाल हो चुकी है। लेकिन ओपलाइन एक ऐसी म्यूटेशन है जो हर जगह पे यूज़ होनी है। अच्छा ओपलाइन, क्वालिटी ओपलाइन हर म्यूटेशन यूज़ होना। ओ मियाँ अहमद साहब कहते होंगे ने कि ओपलाइन ना एक ब्यूटी पार्लर है, जो ये अंदरों बर्ड लंघता है ना तो खूबसूरत हो जाता है। ओपलाइन एक बहुत खूबसूरत बर्ड है, तो ओपलाइन तो चलेगा अच्छा क्वालिटी का, लेकिन उस तो अलावा अलबाइनो ते क्रीमिनो ते कमर्शियल बर्ड तो अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो एक चीज़ हैगी जो मार्केट असं सुनने पे कि 15,000 रुपये का अलबाइनो रेड आइज का पठा सेल होएगा, क्योंकि मार्केट से अलबाइनो ते क्रीमिनो तो अलावा नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल नाल अलबाइनो रेड आइज फर्स्ट क्लैश का बच्चा 18 से 20 हज़ार का जाएगा। अलबाइनो रेड आइज 18 से 20 हज़ार का जाने वाला है। तो अज मेरा दिल किया कि मैं बैठ के तुहाडे नाल गुफ्तगू करां, लोग पौधे लगाते हैं, दरखत लगाते हैं, तो मैं बर्ड जूम तो जैसे ही वेला होया वहाँ, तो मेरा दिल किया कि तुहाडे नाल अपनी फीलिंग्स ते गल शेयर करा। अलबाइनो रेड आइज इंशाल्लाह आप ही जा रहे हैं, तो आप ही जाना है, क्योंकि मार्केट से अलबाइनो तो इलावा है ही कुछ नहीं, ना कोई डिमांड, ना कोई मार्केट से बर्ड नज़र आ रहा। रह गई गल तुहाडे शौक दी, शौक हैगा तो जनाब तुसी सफायर भी खरीदो, तुसी पेल भी खरीदो, तुसी ग्रेविंग भी खरीदो, लेकिन पाकिस्तान दे मेरे ख्याल नाल शौक घटता जा रहा है, तो पैसा कमाण दा शौक वधदा जा रहा है। अच्छी गल है जी, पैसा कमाना चाहिए, लेकिन पैसा कमाण वास्ते भी तुहानू 2-3 साल लाने पैने ने, किसे चंगे उस्ताद दे कोल चीज़ सीखनी पैनी है कि तुहानू उस सिखावे कि लबर्ड दे विच कम किस तरह करना है। तो जनाब यह अज की फीलिंग्स हैगी सी, तो मेरा दिल किया तुहाडे नाल शेयर कर लवान। अगर कमेंट सैक्शन के जरा अक्सर होंगे ने जिन्होंने पता ही कुछ नहीं होंगे, जिन्होंने कभी बजरी भी ब्रीड नहीं करवाया होंगे, अच्छी म्यूट्रिशन 200-200 रुपये का बजरी तो हर कोई ब्रीड करवाता, मेरे को भी लगा है 200 रुपये का जोड़ा जो होंगे, 200-400 का जोड़ा होंगे, लेकिन वो शौक की खातर रखे है। इंशाल्लाह मैं नैक्सट वीडियो बनावगा और मैं दिखावगा कि मैं शौक की खातर रखे है, वो बेचने वास्ते नहीं गा, इनू कहते हैं जनाब शौक, ठीक है। तो बिजनेस की नीयत ना करे कि जनाब रेड आइज बर्ड के उत्ते वर्किंग करो, मैं भी रेड आइज बर्ड के उत्ते वर्किंग कर रहा वहाँ। कुछ जोड़े ऐसे है जेडे अपने शौक की खातर लाए ने, मसलन ग्रेविंग हो गया है जी, उस अलावा कुछ ऑपलाइनस हो गए, तो बाद जी डिल्यूट हो गए, यह अपने शौक की खातर लाए ने। एदा कोई मकसद नहीं गा विकदा नहीं विकदा, कितने जाता है कितने नहीं जाता, यदि कोई टेंशन नहीं गी, सिर्फ शौक की खातर लाया है। तो गल है कि अगर बिजनेस की नीयत ना कहो तो जनाब क्रीमिनो, अलबाइनो, पार्बलूस पिटिनो,
ब्लूटूथ ही वर्किंग लगाई है। तो बाकी अल्लाह ताला दी बारगाह दुआ है जी, अल्लाह ताला ने मौसम बड़ा अच्छा कर दिता है, रहमत अली बारिश होए, रहमत अला मौसम होए, तो अल्लाह ताला तमाम लबर्ड ब्रीडर जिन्हें जिन्हें इस साल म्यूटेशन के उत्ते भी वर्किंग की है, कमर्शियल बर्ड से वर्किंग की है, अल्लाह ताला सब नू बहुत सोहनी तो अच्छी ब्रीड अता फरमाए, तो अल्लाह ताला इत्थे भी बड़ी अच्छी ब्रीड आए, लबड़ का काम चलता रहे। ए कई लोगों के घर कई लोगों की रोज़गार मनसूब ने जो कोई काम नहीं करते, वह सिर्फ लबड़ ही ब्रीड करवाते हैं, लबड़ ही बेचते हैं। तो पहले एक जुमला बोलिया जाता सी जी, लबड़ तो अलावा तो कुछ नज़र ही नहीं आता, लेकिन हुण जुमला बोलिया जाता जी एग्रीकल्चरिस्ट बन गए जी, जावा भी लगाओ, बिग बर्ड भी लगाओ, सारा कुछ लगाओ, तो जनाब शौक के बीच जनाब जो मर्जी लगाओ, शौक के बीच जेड़ा मर्जी बर्ड ब्रीड करवाओ, तो शौक का कोई मुल नहीं होंदा, तो जनाब वर्किंग करते रहो, इंशाल्लाह ताला लबड़ कितने नहीं जा रहा, इंशाल्लाह लबड़ विकेगा। लेकिन यह है कि तुम लबड़ तो हट के भी इधर उधर जे दूसरे लोगों ने व्डे बर्ड लगाए ने या जिन्हें स्पैरो लगाई है उन्होंने नाल भी मिलो, उन्होंने शौक भी वेखो, उन्होंने शौक भी समझो, ठीक है। तो अल्लाह ताला को दुआ है जी, अल्लाह ताला लबड़ के काम से बरकत अता फरमाए। जनाब अज एक वीडियो है सी जो दिल किया कि तुहाडे नाल शेयर कर ली है, बारिश हो रही है तो मैं बारिश से बैठा था, लोग कोई बर्ड रूम चो जैसे मैं वेला होया वहाँ, तो मेरा दिल किया कि मैं थोड़ी जी बारिश में भी इंजॉय करा, इस मौसम में इंजॉय करा, तो नाल ना थोड़ी जी गपशप लग जाए। अल्लाह ताला ही ताड़ा हामी नासर होए, तो पाकिस्तान की अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान जिस क्राइसिस चो गुजर रहे हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर होए, अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद फरमाए, पाकिस्तान मुल्क की खैर फरमा, पाकिस्तान ता क्यामत कायम व दायम तो सलामत रहे। अपनी दुआओं से याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।